हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे रेक्टेंगल। व्हाट इज रेक्टेंगल? रेक्टेंगल क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। रेक्टेंगल हिंदी में बोले तो एक आयत, आयताकार यानी रेक्टेंगुलर। आपका फील्ड भी हो सकता है, आपकी और कोई दूसरी शेप भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल्स हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, खासतौर से ऐसे स्टूडेंट जिनका बेसिक कमजोर है, लाइक दैट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट क्लास के स्टूडेंट, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। दिस इज आवर रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का इसका पेरीमीटर भी होता है, और इसका पेरीमीटर बोलते हैं लाइक दैट इसको, जो इसके बाहर से इसकी चारों ओर की लंबाई चौड़ाई की जो मेजरमेंट होती है, जो इसकी नाप होती है, उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट इसका होता है एरिया। व्हाट इज एरिया? एरिया होता है जो इसके अंदर की जो जगह होती है, जो स्पेस होता है, ये सब इसका एरिया कहलाता है। अब हम इसे अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरिया। एरिया क्या होता है? जो इसके अंदर की लंबाई चौड़ाई, जो इसके अंदर स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसको हम याद करते हैं, उसको एरिया बोलते हैं। जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी। एल बोले तो लेंथ और बी बोले तो ब्रीथ, इनके लंबाई गुणा चौड़ाई। सपोज दैट लंबाई 15 मीटर एंड चौड़ाई 10 मीटर, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू एल 15 मीटर मल्टीप्लाई बी 10 मीटर, एंड आफ्टर दैट 15 मल्टीप्लाई 10, 15 जा 150 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आपको कैसी लगी वीडियो? इस वीडियो को आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है। थैंक यू।